ड्रामा जीरा तेरे इश्क नाम की आखिरी किस्त में क्या हुआ जानिए सिर्फ दो मिनट में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हर गज मत भूलिएगा। खुर्शीद कहता है रुतबा से कि मैंने तो तुम्हें तलाक बिल्कुल भी नहीं दी, जिस पर रुतबा जो है वो खुर्शीद को हाथ से पकड़ कर ले जाती है कमरे में और दिखाती है वो कागज़ जो इमानत के तौर पर उसने दिया था, वो समझी थी ये तलाक है, लेकिन खुर्शीद उससे लड़ पड़ता है और ये कहता है कि ये तो ज़मीन के कागजात हैं जो तुम्हारे बाप ने मुझे दिए थे और मैंने वो वापस कर दिए, तुम्हें तो ऐसे ही लगा। जिस पर वो रुतबा कहते हैं कि मिस तंजीम के साथ तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे तो हर तरफ हैं और उससे तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो अब मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या काम। जिस पर कहता है खुर्शीद कि मैं तुम्हारे दिमाग के फितूर का कुछ भी नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। और रुतबा कहती है कि खुर्शीद तुम मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझ सकते। उधर रुतबा चली जाती है गांव में और वहाँ पर स्कूल का इफ्तिताह करती है और स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और जब तजनीम आती है तो वो समझती है कि शायद की है शादी इसने खुर्शीद ने तजनीम से, तो इसलिए वो यहाँ आई है, लेकिन वो तो किसी और से शादी करके अपने शौहर के साथ आई होती है। जब उसे पता चलता है कि इसका तो शौहर है, वो तो बड़ी ही खुश होती है दिल से। रुतबा जो है वो फिर उनको अलविदा करती है अच्छे से और खुर्शीद के साथ जो है वो चारपाई पर बैठकर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत से भरी निगाहों से देखते हैं। और रुतबा अपना स्कूल चला रही होती है और कहती है जब मिलते हैं खुर्शीद और रुतबा एक साथ, तो खुर्शीद को रुतबा कहती है कि तुम्हें तो मोहब्बत करने का इजहार भी नहीं आता, तुम इतना नहीं कह सकते क्या कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम तो ये भी नहीं कहते। उधर दूसरी तरफ जो है वो जदाद जो है वो वापस कर देती है अल्तमश की रुतबा और उसे कहती है नाम अपनी अजका के, और अजका कहती है कि मैं ये सारी जदाद अल्तमश तुम्हें वापस कर दूंगी। जिस पर अल्तमश कहता है इसके लॉकर में लिखवा दो, मैं अम्मी अब्बू को कहता हूँ, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रुतबा ने जो मेरे साथ किया मेरी आँखें खुल गई हैं। उधर रुतबा और खुर्शीद जो है वो अब ज़िंदगी भर साथ निभाने के वादे कर लेते हैं और दोनों साथ रहते हैं। तो कैसा लगा आपको एंड तेरे इश्क के नाम का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीज़न 2 भी आए तो कमेंट में सीज़न 2 लिख दें।